वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाबिता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मेरी टाइटल है उसे देख के आप लोग समझ चुके हैं मेरी आज का टॉपिक। तो मेरी आज जो क्लाइंट है उनकी हेयर आप लोग देख सकते हैं, लॉन्ग है और बहुत सिल्की, एक अच्छी हेयर है उनकी, लेकिन फिर भी क्यों अपनी हेयर कट शॉर्ट करवा रही है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि समर में ना एक हेयर कट बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि समर सीज़न में हमारे जो हेयर है ना उसको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और जो शॉर्ट हेयर में ज़्यादा पॉसिबल होती है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने उनके हेयर पे पीछे बीच में सेक्शन बना लिया था और वी टाइप पे हेयर को कट कर लिया था, रफली कट कर लिया था। फिर मैं आगे लाके हेयर को ना उनकी आगे लाके इस तरह से, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, कट कर दूंगी हेयर को। इससे क्या होगा, वी शेप भी बन जाएगा, साथ में हेयर्स में थोड़ा लेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि उनकी हेयर ना स्ट्रेट है और फ्लैट है, तो क्या होता है उससे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आगे भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने दो सेक्शन बना रखा है, उस पर मैं लास्ट में हेयर कटिंग करूँगी। इस तरह से आगे लाके मैंने फर्स्ट हेयर को कट कर लिया, फिर मैं पीछे जाके देखूँगी, अगर कोई अनइवन हेयर है तो मैं उसको कट करूँगी, क्योंकि उनकी हेयर स्ट्रेट है तो पूरा आप लोगों को अच्छी तरह से उनकी जो अनइवन हेयर है वो निकल के आ जाता है, तो कटिंग में थोड़ा सा अच्छा भी होता है कट करने को। तो मैं जो उनकी नेक साइड है ना उस पर भी अभी हेयर कटिंग कर लूँगी, और उनकी हेयर पे मैं ज़्यादा वी कटिंग तो ज़्यादा पॉइंट में कट नहीं करूँगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पॉइंट कट अच्छा नहीं लगता। तो मैं नीचे थोड़ा सा उनकी हेयर पे राउंड कट कर लूँगी, और जो उनका नेक्स्ट साइड है उससे भी मैंने सेम प्रोसेस से हेयर को कट कर लिया। और इस तरह से आप अपनी क्लाइंट की हेयर पे ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हेयर कट करने से आपकी हेयर की, आपकी क्लाइंट की जो स्ट्रेट हेयर है उसमें आप लोगों का क्या निकल के आता है, वी शेप, साथ ही साथ लेयर्स बन जाते हैं, वॉल्यूम क्रिएट होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट होता है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरी इंस्टाग्राम में भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ना दोनों साइड की हेयर कटिंग कर लिया था, तो मैं अभी जो फ्रंट की सेक्शंस है उनको खोलूँगी, फिर मैं जितनी लेंथ पे उनके फ्रंट की हेयर चाहिए उतनी लेंथ पे पहले कट कर लूँगी, फिर मैं उसी लेंथ को पीछे की जो हेयर कटिंग किया था उसके साथ मिला के वी शेप पे कट करते जाऊंगी। और ये देखिए, मेरी जो क्लाइंट है उनकी कटिंग का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, कितनी ही एक ब्यूटीफुल हेयर कटिंग उनका आया था। तो जैसे मैंने बोला था, पीछे में नीचे उनकी इतनी पॉइंट कटिंग नहीं किया था, क्योंकि ना उनको ज़्यादा पॉइंट कट नहीं चाहिए था। तो आप लोग जब हेयर कटिंग करते हो तो हमेशा अपनी जो क्लाइंट की चॉइस है ना उसको हमें ध्यान में रख के ही कटिंग करना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के